श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराधना में तुम लीन हो महाराज। दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न हुआ। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है, जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए, बेलपत्र के पेड़ पर। बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहां लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे गुआरी लगा। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर, संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो, ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर, जहां बैठ कर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने, शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। आली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे।
अपने। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशुभ अशुभ सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर अशुभ सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशुभ सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हैं। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ, जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैन। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसक्नी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजो धर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा रानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसक्नी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसक्नी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसक्नी। और हर हम आसक्नी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसक्नी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? आसक्नी का स्मरण। अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना, साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इस ऑपरेशन कराने के लिए, फिर आसक्नी का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्नी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर आचमन कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्नी। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्नी। जैसे गणेश जी की 2 सूंड होती है, एक राइट सूंड का गणेश, एक लेफ्ट सूंड का गणेश। कौन कौन से सूंड का? राइट सूंड और लेफ्ट। राइट सूंड का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट सून का गणेश आपका कोई ऑफिस हो, जहां से आप अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी कोई भी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट सून का अगर गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर अगर राइट सून का गणेश होगा तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सून का गणेश होना चाहिए और घर में जम के बोलो राइट सून। आली न जाता कोई खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं
खड़ी हूँ बाहे पसार, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे। शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना, मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है
तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला, मां